सो सबका स्वागत है। मैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में आ गया हूँ और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता देता हूँ। कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं बाद में कभी किसी वीडियो में बनाऊँगा, बट यहाँ पर बस लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन अगर ए से बी मान लो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसी को यूज करके मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अच्छा इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ का इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आपको आराम से दिख गया होगा। अब इसमें देखो, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपके पास ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ में कोई ये आता है ना, एक्स आता है फालतू में, लीनियर टर्म आए या इवन क्वाड्रेटिक टर्म आए, सो इस केस में आपको करना क्या होता है, इसी टाइप की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, इसी टाइप की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। तो अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आएगा मेरा जीरो से पाई, बाहर हाफ लगा लो, वन प्लस टू एक्स साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, मैंने क्या किया ए प्लस बी माइनस एक्स, तो जीरो प्लस पाई माइनस एक्स करने से क्या मिलेगा आपको, वन प्लस टू इंटू पाई माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा आपके पास साइन ऑफ का पाई माइनस एक्स इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई वन ऑफ का कॉस ऑफ का पाई माइनस एक्स इसका क्या होगा होल स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद में फाइनली मेरे पास यहाँ आएगा हाफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस टू एक्स प्लस, यहाँ पे मिलेगा आपके पास वन माइनस टू एक्स प्लस टू पाई, और ये हो जाएगा आपका सिंपली साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, तो सिंपली आएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप इन दोनों को ऐड करके आप बता सकते हैं कि वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई। अगर ध्यान से देखोगे सो देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस टू एक्स साइन क्यूब बाई साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई करके ही दिखा देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कॉमन बचेगा, साथ में यहाँ पे अंदर क्या बचने वाला है वन प्लस टू एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस ऑफ का टू पाई डी एक्स, ये मेरे पास आएगा। तो यहाँ से आपको आई क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई, बाहर मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, इसको ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ से आपको मिल रहा है टू इंटू वन प्लस पाई साइन क्यूब एक्स अपॉन का वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो फाइनली आपके पास मिल गया वन प्लस पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन क्यूब एक्स अपॉन का वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ गया अपने पास। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। अब कोई बोल सकता है कि क्यों ब्रेक करेंगे, सर ब्रेक इसलिए करेंगे कि अपना लिमिट जो हो जाए वो वन वन हो जाए। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, जीरो से पाई बाई टू एंड पाई बाई टू से पाई के बीच का इंटीग्रल दोनों बराबर होगा, जीरो से पाई बाई टू में एंड पाई बाई टू से पाई का इंटीग्रल क्या होगा, ये बराबर होगा, बराबर होगा, इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया इसको, और फिर इसको फंक्शन हो जाएगा आपका जीरो से पाई बाई टू, यहाँ आ गया आपके पास
साइन क्यूब एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। किसी भी इंसान को यहाँ पे डाउट हो कि सर ऐसा क्यों किया है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स का कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है, जीरो आता है। तो बेटर है मैं इसका क्या कर लिया, इसको बना लिया वन वन फंक्शन। क्या किया, वन वन फंक्शन बना लिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, कॉस एक्स को क्या करोगे टी मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्व टू क्या आ गया, डी टी आ गया। आई इक्व टू क्या आएगा आपका, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो टू इंटू वन प्लस पाई आएगा ही, कॉन्स्टेंट नंबर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, जब जीरो रखोगे आप एक्स को वैल्यू जीरो रखोगे तो टी वन आएगा, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखने पे ये जीरो आएगा। ऊपर साइन क्यूब एक्स है तो एक साइन एक्स तो साइन एक्स डी एक्स के साथ चला गया, तो आपका यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ का डी टी, तो यहाँ से आ गया आपका। अब ये माइनस को कंज्यूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वन से ज़ीरो है, अगर इस लिमिट को चेंज करके मैंने जीरो वन जीरो से लोअर लिमिट जीरो और हायर लिमिट वन कर दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, जो निगेटिव साइन है वो चला जाएगा। और साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब वैल्यू डाल लो, आपने कॉस एक्स को टी माना है तो आएगा टू इंटू वन प्लस पाई इंटीग्रेशन जीरो से वन वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये मेरे पास फाइनली आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके इंटीग्रेशन के लिए, इसके इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ऐसे करो, आई इक्वल्स टू आएगा आपके पास टू इंटू वन प्लस पाई इंटीग्रेशन जीरो से वन। मैं क्या करता हूँ इसमें, ऐसे कर लेता हूँ वन प्लस वन माइनस वन, देखो प्लस वन माइनस वन किया है कुछ आया अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सेपरेट कर लेंगे, वन प्लस टू पाई इंटीग्रेशन आएगा ये टू माइनस ऑफ का वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ से जीरो से वन तक, तो ये तो वन आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा स्पेस लेके मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ध्यान से देखें आप, फाइनली आपके पास आई क्या आ गया, आई आ गया टू इंटू वन प्लस पाई टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा टू टैन इनवर्स ऑफ का टी, इस पर लिमिट लगाओगे आप जीरो से वन माइनस, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आएगा यहाँ पे सिंपली टी, लिमिट इस पर भी क्या आएगा जीरो से वन। तो यह आ गया मेरा टू इंटू वन प्लस पाई, और अगर वन रखता हूँ तो आएगा टू इंटू पाई बाई फोर माइनस जीरो, इस वाले में रखोगे तो आएगा माइनस ऑफ का वन माइनस जीरो। तो फाइनली मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया टू इंटू वन प्लस पाई इंटू पाई बाई टू माइनस ऑफ का वन, तो यहाँ से आ गया टू इंटू वन प्लस पाई इंटू पाई बाई टू बाई टू, पाई माइनस टू बाई टू कैंसिल हो गया, तो मेरा फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया वन प्लस पाई इंटू पाई माइनस टू, ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कभी भी ऐसा फंक्शन आएगा ये प्रॉपर्टी यूज होना ही होना है, मैक्सिमम केसेज में होगा। इवन यहाँ पे एक्स के जगह एक्स स्क्वायर आए तो भी कुछ यही मैक्सिमम टाइम यूज होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक्स वाला टर्म है वो चला जाता है, देखो यहाँ पे जैसे एक्स वाला टर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करने से चला गया, उसके बाद इजिली इंटीग्रेट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें। दूसरा है, यहाँ पे जीरो से पाई के बीच में था तो अगर कॉस एक्स को मैं टी मानता तो मेरा क्या आ जाता, जीरो आ जाता, जीरो पे वैल्यू, सॉरी जीरो पे कॉस एक्स को अगर टी मानोगे, या एक मिनट, अगर मान लो साइन एक्स को यहाँ पे मैंने टी माना, साइन एक्स को किसी ने टी माना, साइन एक्स में प्रॉब्लम क्या है, जीरो पे भी जीरो आएगा, पाई पे भी जीरो आएगा। लेकिन जब भी आप मानते हो किसी चीज़ को, अपन एज्यूम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो इसमें ध्यान रखना होता है वो वन वन होना चाहिए, गिवन इंटरवल में वन वन होना चाहिए। अगर वन वन नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा,
गलत आएगा। इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि 0 से π/2 में मैं ब्रेक कर दिया, 0 से π/2 में ब्रेक करने के बाद में मैंने इसको आराम से इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन अगर मान लो अगर इसी में cos x आप एज्यूम करते, cos x इक्वल्स टू t मैंने एज्यूम किया है, तो इसको एज्यूम करके भी आराम से सॉल्व कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। होगा क्या, बस फर्क क्या पड़ने वाला है, ये जो लिमिट है 1 से -1 चला जाएगा, अगेन सेम वैल्यू आएंगी और आंसर आपका सेम आएगा। चलो सो मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के लिए साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।